आज के हमारे इस क्लास में वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम बात करेंगे डेटा टाइप्स कि डेटा टाइप्स क्या होता है। आपने कई सारे जगहों पे रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस या मुझे या बहुत सारे इंटरनेट पे आपने क्या किया होगा, देखा होगा कि डिम आर एज ए इंटीजर लॉन्ग स्ट्रिंग इस तरह के वेरिएबल डिफाइन करते हुए देखा सर, रिकॉर्डिंग के बारे में रिकॉर्डिंग के परमिशन नहीं मिल सकते उसे। तो आखिर क्या होता है डिम इंटीजर वगैरह होता क्या है? तो सबसे पहले जानिए कि डिम जो हुआ इज द डायमेंशन कि हार्ड डिस्क के किसी भी एक डायमेंशन के अंदर में, हार्ड डिस्क के किसी भी एक डायमेंशन के अंदर में। आर जो हो गया नाम हो गया, इसके जगह पे आप एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी दे सकते हो। एज ए इंटीजर, इंटीजर इसका डेटा टाइप हो गया, कास्ट हो गया, मतलब को इंटीजर दे दिया तो अब आर के ऊपर कोई भी वैल्यू स्टोर होगी वो इंटीजर ही स्टोर होगी, उसके अलावा कुछ और नहीं, जैसे कि टेक्स्ट नहीं हो सकती है, डेसिमल अगर डालते हो तो डेसिमल नहीं लेगा, डेट टाइम नहीं लेगा वगैरह वगैरह। तो सबसे पहली बात कि हम वेरिएबल्स लेते ही क्यों? देखिए जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 10+30 है, अब 10+30 का जो रिजल्ट है, जो 40 रिजल्ट है वो कहाँ स्टोर होगा? क्योंकि 10+30 तो दिया, रिसीव करने वाला चाहिए ना। तो रिसीव करने के लिए मान लीजिए अगर हम रेंज देते हैं कि रेंज a1.value इक्वल टू 10+20, तो तब क्या होगा कि A1 पे आप देखेंगे कि 40 जो है वो प्रिंट कर दिया, 40 को सेव कर दिया। तो 40 को कौन होल्ड किए हुए? A1 एड्रेस होल्ड किए हुए हैं ना। लेकिन हर बार ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि आप किसी सेल रेफरेंस को वैल्यू होल्ड करने के लिए करो, क्योंकि हमारी वैल्यू हो सकती है कि टेम्पररी कैलकुलेशन हो किसी एक माइक्रो के लिए। तो उस केस में हम करते हैं कि R इक्वल टू 1030। सुजीत सर, हाँ जी सुजीत सर, मुझे परमिशन दे दीजिए ना सर रिकॉर्डिंग। दे दिया मैंने परमिशन, नहीं हो पा रहा है सर मेरे इधर से। अब हुआ, अब स्टार्ट होगा, ठीक है सर, थैंक यू। तो ए इसलिए हम R इक्वल टू ए करते हैं। पहला रीजन हुआ कि हमें टेम्परली किसी वैल्यू को होल्ड करना होता है, टेम्परली हमें किसी वैल्यू को होल्ड करना होता है पहला। दूसरा, हमें एक ही इनपुट को कई सारे जगहों पे लेना है। जैसे मैंने मान लीजिए कि इनपुट बॉक्स लगाया कि एल इक्वल टू इनपुट बॉक्स, इसके बोले डाल दिया कि एंटर नेम। अब मुझे इस नेम को तीन जगह पर लेना है, जहां तीन मैसेज बॉक्स मान लीजिए कि MSG बॉक्स, और यहां पे हमने कर दिया N, फिर वापस MSG बॉक्स, यहां पे हमने दे दिया कि योर नेम इज इनपुट बॉक्स क्या होता है सर? इनपुट बॉक्स का काम है, जैसे हम इसको रन करते हैं ना तो मुझे इनपुट देता है, ठीक है ना, इनपुट देता है एंटर नेम। अब यहाँ पे मैं जो भी वैल्यू स्टोर करूँगा, जैसे मैंने मान लीजिए स्टोर कर दिया पूजा, तो जो पूजा है ना उसको क्या कर रहा है, एन पे स्टोर कर दे रहा है, और जहाँ जहाँ हमें पूजा चाहिए वहाँ वहाँ पूजा ले पा रहे हैं। तो इनपुट बॉक्स का काम होता है कि माइक्रो रन करते समय कोई इंफॉर्मेशन आपको यूजर से चाहिए वो ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने एक रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट जो है ना आपका मंथली है,
तो आपने ऐसा कुछ दे दिया कि रन करते समय बंदा मंथ सेलेक्ट करेगा और जिस मंथ का रिपोर्ट चाहिए आपको वो मंथ डालेगा और आपका माइक्रो उसी मंथ का रिपोर्ट बना देगा। तो रन करते समय मंथ चाहिए हुआ ना हमें, तो यहाँ पे हम इनपुट ले लेते हैं। ये चीजें तो बहुत सारे सब सॉफ्टवेयर में देखते होंगे कि पॉप जैसे यूजर नेम पासवर्ड वो भी एक तरह से इनपुट ही है ना। तो ठीक है, अभी एक्सेल में स्टोर कहाँ हो, मतलब दिखता तो नहीं है ना वो? एक्सेल में स्टोर नहीं हो रहा है, ये आपके हार्ड डिस्क पे टेंपरेरी स्टोर है, इसको बोलते हैं टेंपरेरी सेविंग लोकेशन। इस एन का वजूद तभी तक है जब तक कि एन सब नहीं हो पा रहा है, जैसे ये पूरा कोड खत्म हुआ सिस्टम एन को भूल जा रहा है, ये बैकएंड में हो रहा है, टेंपरेरी कैलेंडर लोकेशन है सारे, समझ गए? किसी सेल पे स्टोर कर देते हैं तब वो परमानेंटली इस डेटा को स्टोर करता है, जिसे इससे पहले मैंने किया था A1 पे रखा था, समझे सर? तो हमें कई बार हमें इनपुट से या कुछ कैलकुलेशन टेम्परली चाहिए होता है कि हम उसको यूज उस कैलकुलेट करके हम उसको यूज करेंगे और फिर अपना आएगा। जैसे मैथमेटिक्स में होता था ना कि आप रफली कहीं भी कैलकुलेट करते थे, तो कैलकुलेशन इज नॉट ए पार्ट ऑफ द योर मैथमेटिकल सॉल्यूशंस, आपने अपने ही ज्ञान के लिए बगल में कैलकुलेट कर लिया। क्या सर? हेलो, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, सेम उसी तरह से यहाँ भी होता है। हाँ जी, तो हमने आपको दो यूज बताया, पहला यूज किया था कि आपको एक स्टोर करवानी है वैल्यू उसके लिए, दूसरा हमने बताया आपको कि आपको इनपुट लेना है, उस इनपुट को कई जगह पे यूज करना है तो चाहिए होगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। क्योंकि अगर मैं एन ना दू तो मुझे इनपुट बॉक्स तीनों जगह पे लगाना पड़ेगा, और जब मैं इसको रन करूंगा तो मुझसे वो तीन बार इनपुट पूछेगा, जैसे पूजा दिखा दिया, फिर पूछा, पूजा दिखा दिया, फिर पूछा, पूजा, ये तो गलत हो जाएगा ना। जैसे आपके पास कुछ रिपोर्ट, आपके पास कुछ डेटा है, अब आपने जो रिपोर्ट बनाया मान लीजिए, अब उस रिपोर्ट में आपको जैसे मंथ ही लेना है तो मंथ आपको चार पांच जगह यूज करना है, कई सारे फिल्टर्स में, डेटा कॉपी करने में, ऊपर हेडिंग देने में, क्या? तो हर बार आप इनपुट देंगे तो गलती हो सकती है, कई बार हो सकता है यूजर इनपुट ना दे, तो बार बार इनपुट लेना सही नहीं होगा ना सर? सही होगा सर? नहीं नहीं सही नहीं। इसलिए हम उसको एक ऊपर में इनपुट देंगे और बाकी जगह पे हम कॉल कर देंगे। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कि कितने तरह के वेरिएबल्स होते हैं। तो हम यहां पे लिख रहे हैं, एक है डिम, हमने लिखा है बी एज ए बाइट, तो पहला होता है सबसे छोटा होता है आपका बाइट, तो बी बाइट होता है, उसके बाद आता है आपका इंटीजर या ए बुलेन, बी एल एज ए बुलेन, फिर तीसरा आता है आपका डिम, आई एज ए इंटीजर, उसके बाद आता है डिम, एल एज ए लॉन्ग, फिर आता है डिम, डी एज ए डबल, D as a D O U double।
फिर आता है डिम डी टी एज ए डेट, फिर आता है डिम एस एज ए स्ट्रिंग। अब इतने सारे हो गए तो कौन सा हमें ले, कैसे इस डिसाइड करेंगे? तो देखिए बाइट जो होता है वो हमेशा 0 से लेके 255 तक की वैल्यू को ही स्टोर करता है, नो नेगेटिव और नहीं डेसिमल और नहीं टेक्स्ट। 255 से डालोगे तो आपको दिखाएगा प्रोसीजर ओवरलैप ओवरफ्लो। बीएल जो है वो बुलियन होता है, मतलब कि जस्ट ट्रू फॉल्स को ही कैरी करता है। इंटीजर जो है आपको माइनस 32,000 समथिंग से प्लस 32,000 समथिंग की वैल्यू लेता है विदाउट एनी डेसिमल और विदाउट एनी टेक्स्ट, तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों दिखाता है। फिर जो हमने एल किया, एल जो है वो आपका माइनस प्लस दोनों में एक लंबी वैल्यू लेता है लेकिन डेसिमल ए भी नहीं लेता है। डी जो कि सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ी वैल्यू और डेसिमल दोनों को लेता है। डी टी जो है हमारा ए डेट और टाइम को कैरी करता है, डेट एंड टाइम को कैरी करता है। ठीक है, और स्ट्रिंग जो है वो किसी भी तरह के टेक्स्ट को रखता है। अब आप कंफ्यूज होंगे कि मेरे पास तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो इसके लिए हम लेते हैं डिम वी एज ए वेरिएंट। वेरिएंट ऑल राउंडर होता है कि अगर आपने वी के ऊपर नंबर डाला तो इंटीजर बन जाएगा, अगर आपने डेसिमल डाला तो आपका ये डबल बन जाएगा, अगर आपने इसके ऊपर टेक्स्ट डाला तो ये स्ट्रिंग बन जाएगा, अगर इसके ऊपर आपने डेट डाला तो ये डेट बन जाएगा। ठीक है सर, अब क्वेश्चन आता है तो फिर हम इतने सारे क्यों पढ़े? जब मेरे पास ऑलरेडी ऑलराउंडर है तो फिर हम वेरिएंट यूज ना करें? देखिए इसके दो इसके प्रॉब्लम है। पहले प्रॉब्लम कि आपने देखा होगा जो आर्टिकल पढ़ने के लिए दिया था उसमें क्या था कि हर वैल्यू हर एक जब डिफाइन करते हैं उसका एक ये है आपका स्टोरेज कैपेसिटी है, मतलब कि आपके हार्ड डिस्क में वो एक वैल्यू को एक डेटा को कंज्यूम करता है। ठीक है, जैसे अगर बाइट है तो 2 बाइट करेगा, बुलियन है तो भी 2 बाइट करेगा, इंटीजर आई थिंक 4 बाइट करता है, आपका टेक्स्ट उससे थोड़ा ज्यादा और इसी तरह से बाकियों भी करते हैं। ठीक है, अब यहां पे ये हो गए। अब यहाँ पे अगला जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है आपका, मैं पहले बताया आपको कि साइज। अब साइज में बोलेंगे मेरा कंप्यूटर मेरा जो है पीसी जो है वो तो मेरा जो हार्ड डिस्क है वो तो काफ़ी बड़ा कैपेसिटी का है, 3 GB का हार्ड डिस्क है आपका, 1 TB का 8 GB का रैम है, तो साइज तो बाइट्स में है, क्या फर्क पड़ता है? देखिए एक जो प्रोसीजर होता है ना, प्रोसीजर मतलब ये अपने सब ई लगाया है ना, उसका एक मैक्सिमम साइज होता है। आप कोई भी सब जो है 200 256 KB से ज्यादा का आप नहीं बना सकते हैं। अगर आपने
256 KB से ज्यादा की साइज वाली फाइल बनाई तो आपका फाइल आपका ये प्रोसीजर टू लार्ज का एरर देगा और ये वर्क नहीं करेगा। इसलिए साइज एक हमारा डिफाइन है, उससे ज्यादा साइज नहीं होगा। ठीक है, दूसरा आता है कन्वर्जेंस। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां अगर एक यहां पे मान लीजिए मैंने हमने डाल दिया डी, हमने कुछ लगा निकाला कि डी इक्वल टू 55 डिवाइड बाई 36, तो रिजल्ट तो डेसिमल में आएगा ना, क्या सर? तो फिर आपको डेसिमल हटाने के लिए आपको राउंड का फॉर्मूला इंट का फॉर्मूला लगाना होगा। लेकिन अगर मैंने यहां कर दिया कि डिम टी एज ए सॉरी डिम डी एज ए लॉन्ग या इंटीजर, तो क्या करेगा? उसका डेसिमल कन्वर्ट कर देगा। तो दूसरा होता है हमारा, दूसरा प्रॉब्लम होती है वैलिडेशन, कि हम एक वैलिडेटेड एंट्री या कन्वर्जेंस, कि अगर कोई ऐसा एंट्री करता है तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दें, ऐसा अगर करें तो आपके लिए सही होगा। इसलिए हम वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब इस वेरिएबल्स के बारे में आप एक बार बुक में पढ़िए और उसके दी गई एग्जाम्पल को करिए, फिर कल हम इसके बारे में यूज बताएंगे कि इसका हम यूज कैसे करेंगे कुछ कैलकुलेशन करके।